क्या बात है सर? प्ले द वीडियो। नमस्ते, प्रताप काले टीवी, ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपका वॉचमैन बोल रहा हूँ। मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ निभाया। अरे भाई, वो क्या डायलॉग था? रथ से हवा का रुख बदलता है, गणेश आता है तो तूफान आता है, जब प्रताप आता है तो आती है सुनामी। डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर्स की बेटियां मेरे पास हैं। कांस्टेबल हो या झाड़ू वाला हो या डीआईजी हो, सबकी बेटियां अपने गणेश भैया को बार बार पुकार रही हैं। अरे वो ना, देखो, तुम्हारी बहनों की इज्जत का सवाल है। और यही नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ है। अगर तुम मर्द का बच्चा है तो आकर बचा लो। अगर तुमने पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस की ड्यूटी निभाई होती तो तुम्हारी बेटी आज वहां नहीं होती। भाई वो आ गया। खत्म कर दो इसे। खत्म। और तेरी जिंदगी भी। देख छोटे, जिन लड़कियों को बचाने के लिए तू यहाँ आया है, उन सबको मैंने उस कंटेनर में बंद कर दिया है। तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, बचा ले, वरना वो सब की सब मौत के मुंह में चली जाएंगी।
तकी तकी तकी। जो बहादुरी का काम किया है वो बहुत सराहनीय है, इसलिए राज्य सरकार प्रति वर्ष बहादुर सिपाहियों को जो शौर्य चक्र देती है वो शौर्य चक्र इस साल गणेश को बहादुरी के लिए दिया जाएगा, ऐसा हमारी सरकार ने फैसला किया है और इसी के साथ साथ उन्हें डिप्टी अब कमिश्नर भी बनाया जाता है। बेटा थैंक यू सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। कहिए। आईएएस हो या आईपीएस हो या फिर सरकार की कोई भी नौकरी हो, पूरी आजादी के साथ उन्हें करने का हक दिया जाए, तभी देश तरक्की करेगा सर। श्योर, जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। ये क्या है? ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन क्यों? खाकी पहनकर लोगों का भला करने का जो बीड़ा मैंने उठाया था वो अभी लगभग पूरा हो चुका है, फिर से अगर कोई शैतान आया सर तो मैं फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। थैंक यू सर। गणेश जी, मुझे भी आपके जैसा बनना है, उसके लिए मैं क्या करूं? पढ़ाई करनी होगी, बुद्धिमान बनना होगा, खुद से पहले लोगों का सोचना होगा, माँ बाप की इज्जत करनी होगी, जो लोग हमारी रक्षा करते हैं, जो लोग हमें रोटी देते हैं, उन सबको सैल्यूट करना होगा। कम ऑन बॉय, सैल्यूट।